वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कुछ शेयर के बारे में जिनके ऊपर रिसेंटली मेरे पास कमेंट आए थे। जैसा कि मैंने आपके सामने ओपन किया, इस शेयर का नाम है ट्राइडेंट। इसका जो करंट प्राइस है 56.25 रुपीज़ है और इसकी डे की क्लोजिंग 0.53% डे लो पे हुई है। अब एक बार इसका लेवल देख लेते हैं। तो आपको शायद याद होगा इसके ऊपर जो मेरी पहली वीडियो थी उस समय 13-14 रुपये के आसपास इस शेयर का प्राइस था और मैं कह रहा था आप इसे बाय करो, पैनी जरा आने वाले टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देगा। और सबसे बड़ी चीज़ है ना, ये जब इसका 12-13 रुपये प्राइस था ना उस भी डिविडेंड पे करती थी और आज के टाइम में साल में 2 बार डिविडेंड पे करती है ये। तो आप भी अपने एंड पे स्टडी करो। और इनका ना बहुत बड़ा ग्रुप है, कई सारी चीज़ें बनाती है पर मेनली इनका फोकस है पेपर इंडस्ट्री पे। तो अभी के लिए अगर शेयर आपके पास इसमें ट्रेड करना चाहते हो, ट्रेड में देखो अभी का प्राइस है, मैं आपको एक एसएल दूंगा। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो 50 रुपीज़ का स्ट्रॉन्ग एसएल है, इसे मिस मत होने देना। बस ये है अभी इसके लिए। बाकी अगर लॉन्ग टर्म का प्लान है तो आप क्वांटिटी में एक धीरे धीरे इसको बाय करते हो, लॉन्ग टर्म रख सकते हो, नो इशू। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर की। इस शेयर का नाम है NBCC। इसका जो करंट प्राइस है 41.50 पैसे है और इसकी जो डे की क्लोजिंग 2.72% डे हाई पे हुई है। इसके ऊपर काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे। तो इसके ऊपर वीडियो बनाने का मेन जो कारण है कि मेरे पास जितने बंदों के कमेंट आया ना, उन्होंने इस शेयर को 55 रुपये 52 रुपये के आसपास बाय किया हुआ है। तो पता नहीं क्या था, आपको याद होगा 3-4 महीने पहले खबरें बहुत चलती थी कि ये शेयर 80-90 रुपये 100 रुपये तक जाएगा। तो उससे मैंने वीडियो में बनाई थी और मैंने खुद कहा था कि कभी भी ना कोई भी शेयर इतनी जल्दी नहीं भागता, हमेशा उस पर एक अगर आप किसी भी शेयर को बाय करोगे तो अपना एक स्टॉप लॉस के साथ ही बाय करो। तो अभी भी अगर किसी को के पास ये शेयर है, सिंपल कहता हूँ कि 50 या 52 रुपये के आसपास आए तो प्रॉफिट बुक कर लो। सिंपल है, थोड़ा प्रॉफिट कम से कम बुक कर लो अगर आपका ट्रेडिंग का पॉइंट ऑफ व्यू है। और अगर ये कभी 60 रुपये के ऊपर 3 या 4 दिन सस्टेन हुआ तब उसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये कुछ आगे जा सकता है। सिंपल है। तो अभी सिर्फ लेवल के ऊपर बात करेंगे इसके। और अगर कोई अभी से बाय, देखो बीच में इतना मतलब मार्च के आसपास 36 रुपीज़ के आसपास था और उसके नीचे भी 34 रुपीज़ तक भी शेयर गया है, अभी के लिए जो है ना एक यहाँ सपोर्ट आ रहा है। ये सपोर्ट मैं करीब 43 रुपीज़ के आसपास है। अगर ये 43 रुपीज़ के ऊपर, ये मैं सिंपल होता, अगर 43 रुपीज़ के ऊपर मिनिमम 2 डेज़ यानी 2 दिन सस्टेन हो गया तो आने वाले टाइम में ये शेयर 50 रुपये तक जा सकता है। सिंपल है, अगर 43 रुपीज़ के ऊपर 2 दिन सस्टेन हो जाता है। और हमारे पास जिसमें एसएल आ रहा है अभी के लिए 40 रुपीज़ का एक स्ट्रॉन्ग एसएल आ रहा है, इसे मिस मत होने देना। बाकी आपने इसे बाय करना तो 40 रुपीज़ के आसपास इसे बाय कर सकते हो और 50 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के। किसी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।